हम अभी है हिमालयन मिडवे कैंप, जिस वहाँ से 5 किलोमीटर पहले। और गाइस लोकेशन तो एक नंबर। मॉर्निंग जिसवा, टेंट में सोए दबा के, और मैच देखो ये क्या गंद लगा के रखी है। ठंड तो थी भाई, निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आई होप कुछ अच्छा मिल जाए। अभी हम निकल रहे हैं जीस्पा से, जाएंगे सरचू की ओर। काफी बढ़िया रोड है मैन, ठंड भी कम हो गई अभी। आई वुड से अबाउट 9 9 होएगा अभी। रात को क्या ठंड थी भाई, टेंट में दो दो कंबल लिए थे तभी भी टिक 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 थे। लेकिन अच्छा था एक्सपीरियंस भाई, रात को बॉनफायर किया, डिनर भी अच्छा था। एक और चेक पोस्ट दारचा में, जहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा, पानी वानी पीना हो तो। यह गाइस जिंगचिंग लापास, यहाँ की हाइट होएगी तकरीबन 14,000 फीट। अभी हम पहुंचे हैं 500, जो है 12,300 फुट फ्रॉम सी लेवल, 800।
यहाँ पे आपको पोस्ट और मेडिकल मिल जाएगा। ये है कैंप। आई थिंक चलो अभी थोड़ा एक तो फोटो हो जाए। जिंग जिंग बार अभी हम जिंग जिंग बार से निकल गए। बारला के पास यहाँ से 18 किलोमीटर और उसकी हाइट होगी तकरीबन 14,000 फीट। जैसे आप हाइट पे जाते हो इस वजह से ठंड भी ज़्यादा रहती है और सन धूप भी आपको सीधा चुभती है। मेक श्योर आप सनस्क्रीन लोशन लेके आए स्ट्रॉन्ग वाला, चश्मे लेके आए यूवी वाला। यहाँ पे अभी होएगी हाइट 14 to 15,000 फीट। ये होगी ये बर्फ की बॉल। बीआरओ है ना काट के पूरा रास्ता बनाते हैं। हेड्स ऑफ टू देम। सॉरी लेकिन अभी मेरी सांस थोड़ी फूल रही है। Yeah, I'm
पूरी बर्फ की चादर पड़ी हुई है। अच्छा काम कर रहे हैं यार वाले रोड साफ करने का। अरे बाप रे, जैसे तैसे करके धवल चला रहा है अपना स्प्लेंडर, वो भी पिलियन के साथ। हमको उससे पीछे ही रहते हैं क्या, कुछ तकलीफ वकलीफ हो जाए तो टेंशन ना रहे, इसलिए। ओह माय गॉड, दिस इज हेवन मैन, दिस इज हेवन। हाँ लेकिन अगर आप बाइक पे आओ फुल प्रिपरेशन के साथ आओ, वाव। Wow. ORS break. Rock. Catch. Catch. Out. ट्रैफिक हो गया था ट्रक्स का, आमने सामने हो जाते ना ट्रक्स। डेढ़ घंटा ट्रैफिक में फंसे थे, अभी कुछ खुला हुआ लग रहा है। से बर्फ वाले रोड पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बाइक थोड़ा स्लिप हो रहा है। वैसे बर्फ पे से बाइक जाता है थोड़ा स्लिप हो रहा है, सांसें भी फूल रही है। आई डोंट नो ये आर्मी बॉयज जवान कैसे रहते हैं, हमें ड्राइव करते हुए आधा ही दिन हुआ है और हमारी ये हालत है, और ये लोग महीनों तक यहाँ पे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं आई डोंट नो। प्लस वो फिजिकल काम भी करते हैं साथ साथ। कहीं पे मैं बैठा था काफे पे, आर्मी के काफे में, वहाँ पे बहुत अच्छा लिखा था तो मेरे दिल को छू गया। लिखा था कि योर वंस इन अ लाइफ टाइम एडवेंचर इज़ अवर डेली रूटीन, विच इज़ 150% ट्रू। ये मेरी पहली राइड है, आई डोंट नो फ्यूचर में करूँगा कि नहीं, आई वुड लव टू डू दैट, बट ये मेरी पहली राइड है और ये एडवेंचर से कोई कम नहीं है। सल्यूट गाइस। वो मैन
हाँ मेड इट, शूज पे पानी है, दिस इज द वे टू चांगला. नीचे से जा रही है नदी, काफी डीप है. As you can see. यहाँ से सरचू होएगा कुछ 5 या 8 किलोमीटर, जहाँ पे हम करेंगे हमारा नाइट स्टे. देखेंगे दोर्जी के हम सस्ता होएगा तो होटल रुक जाएंगे, वरना कुछ होम स्टे जैसा ढूंढ देंगे. सुना है यहाँ पे पूरा क्या रूम 4-5 लोगों का मिल जाएगा 800 रुपये. सो लेट्स सी क्या होता है. अभी हम हैं सर्चू में, ढूंढ रहे हैं एसटीडी, कॉल करना है इसलिए.